नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आल ई मित्र सॉल्यूशन पर। दोस्तों, जो भी भाई राजस्थान से बाहर फंसे हैं या राजस्थान में फंसे हैं और अन्य जगह जाना चाहते हैं इस लॉकडाउन में, तो उनके लिए अच्छी खुशखबरी है। यहाँ पर राजस्थान सरकार ने ई मित्र पोर्टल के माध्यम से एवं यहाँ पर सिटीजन पोर्टल के माध्यम से प्रवासी राजस्थानी आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं, जिसके द्वारा आप राजस्थान से बाहर जा सकते हैं और राजस्थान से बाहर फंसे लोगों को अपने घर पर बुला सकते हैं। उनके लिए दोस्तों आपको आवेदन किस प्रकार करना है पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है। हालांकि दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बिना ई मित्र पर गए अपने मोबाइल से घर बैठे किस प्रकार से आप आवेदन करोगे। दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये वाला लिंक ओपन कर लेना है। इस लिंक को दोस्तों मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, आपको सिंपली वहां पर क्लिक करके इस पोर्टल पर आ जाना है, इस वेबसाइट पर आ जाना है। ना आपको यहां पर SSO ID की आवश्यकता है, ना ही किसी मित्र का ID की आवश्यकता है। सिंपली आपको यहां पर आना है क्लिक करके, और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा फोरम यहां पर ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर चूज करना होगा कि आप राजस्थान से बाहर जाना चाहते हैं कि बाहर से अंदर आना चाहते हैं। अगर आप अन्य राज्य में फंसे हैं तो आपको सिंपली इनवर्ड टू राजस्थान पर क्लिक करना होगा। आप अगर राजस्थान में हैं और अन्य राज्य में जाना चाहते हैं तो आपको सिंपली आउटवर्ड पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, यहां पर आपको अपना नाम भरना है, यहां पर जेंडर भरना है, इसके अलावा आपको यहां पर एज भरनी है, यहां पर मोबाइल नंबर भरना है, मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। दोस्तों अगर बात करें तो यहां पर आपको ओवन ट्रांसपोर्ट अवेलेबल पर क्लिक करके यहां पर यस नो करना है। अगर आपके पास वाहन अवेलेबल है तो आपको यस करना है, और इसके अलावा दोस्तों आपको अपने वाहन का नंबर यहां पर डालना होता है। अगर नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको मूवमेंट डेट पर यहां पर क्लिक करना है, यहां पर कौन सी तारीख को आवागमन करना चाहते हैं उसकी आपको जानकारी यहां पर देनी है। अब दोस्तों, यहां पर आया है सोर्स एड्रेस, यानी कि आपको यहां पर भरना है कि आप अभी कौन से राज्य में फंसे हुए हैं, कौन सी जगह पर आप अभी हो, वो आपको जानकारी यहां पर देनी है। आपको सिंपली यहां पर स्टेट चूज करना है और आप पर डिस्ट्रिक्ट और एड्रेस बते हुए दोस्तों आपको पूरी जानकारी यहां पर दे देनी है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे, यहां पर है, यहां पर दोस्तों आपको करना क्या है, यहां पर दोस्तों आपको वह एड्रेस देना है जहां पर आप जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है और यहां पर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, म्युनिसिपालिटी, वार्ड, पिन कोड और एड्रेस। दोस्तों, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर भर लेनी है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको अर्बन पर क्लिक करना है, और अर्बन पर क्लिक करके आप सारी जानकारी भर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होता है स्टिक वाले बटन पर। इसके बाद दोस्तों आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके फोन पर एक OTP चला जाएगा। दोस्तों, OTP आपके इसी नंबर पर जाने वाला है जो आपने इस पर भरा है। इसके बाद दोस्तों, जो OTP आपके पास आएगा वो आपको यहाँ पर भर देना है। दोस्तों, भरने के बाद होगा क्या कि आपके फोन पर एक कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा और आपको पूरी जानकारी आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी, कब आपको जाना है, कब नहीं जाना है। दोस्तों, इस तरह से आपको अपना आवेदन करना है। दोस्तों, अगर आपके परिवार को आप लेकर जाना चाहते हैं तो आपको सभी के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। दोस्तों, इस प्रकार से आप आवेदन करेंगे जो आपको मैंने तरीका बताया है। यहाँ पर दोस्तों आपका कोई भी टोकन चार्ज नहीं है, कोई आवेदन फीस नहीं है, ना ही आपको मित्र पर जाने की आवश्यकता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अपने मोबाइल से यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।